one of the base channel for civil engineers. हमारी ये जो लेक्चर सीरीज है AutoCAD ट्यूटोरियल फॉर सिविल इंजीनियर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, इसमें अब ड्राइंग की हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा ट्यूटोरियल है AutoCAD ट्यूटोरियल, इसमें हम देखेंगे कि आप सबमिशन ड्राइंग कैसे बनाते हो, सेंटर लाइन प्लान कैसे ड्रॉ किया जाता है, कॉलम लेआउट प्लान कैसे होता है, उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल लेआउट प्लान देखेंगे, पार्किंग प्लान कैसे ड्रॉ किया जाता है, ट्रेड यूज कैसे निकाले जाते हैं, और वीडियो के एंड में आपको AutoCAD के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हो जिसके पहचानते आप AutoCAD में इजी वर्क कर सकते हो। वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। आज हम देखेंगे ड्राइंग डिटेलिंग, स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग लेआउट और हमारे अपार्टमेंट के प्लान में। ये जो हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग है, स्ट्रक्चरल लेआउट ऑफ ग्राउंड बीम है। ओके, ये स्ट्रक्चर फ्रेमिंग है हमारे लिए एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, पार्किंग है, इसमें पार्किंग और चार स्लॉप पे आगे प्लिंथ लेवर है 45 सेंटीमीटर का। ये जो शॉप है, ए सेटर है, कॉलम है हमारे ऐसे डिवाइड किए हैं कि जो हमारे बीच में ना आए किसी भी वॉल या हॉल की या किचन के बीच में ना आए, इसी तरह डिज़ाइन करने पड़ते हैं। इसका जो बीम का स्टैंडर्ड साइज है 230x600, 230x450, 230x600। ये जो हमारे साइट में दिखाई देंगे हमारे नॉर्मल साइजेस, बीम शेडर M30 FE4 500 का। टोटल बीम है हमारे 31 बीम्स और मिड लैंडिंग बीम, स्टेयर के स्लैब, कैंटिलीवर स्लैब 1। ओके, ये B3 है कैंटिलीवर बीम में। ये जो B3 है कैंटिलीवर बीम में, ये हमारे लिफ्ट है। यहाँ पे स्पेसिफाई किया है 230 mm थिक लिफ्ट RCC पर डिकन्टिन्यूड अप टू LMR स्लैब, लिफ्ट मशीन रूम स्लैब। ओके, ये टोटल 30 mm थिकनेस की जो हमारी पड्डी है वो कंटिन्यू है LMR तक। ओके, अगर आपका ड्राइंग अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, फॉर मोर ड्राइंग्स .jwg फाइल्स ज्वाइन आवर चैनल सिविल डिजाइंस। जो हमारा स्टेयर केस भी में B21 235 450 का B21 है, यहाँ पे देखा जाए तो ये B21 है वो मिड लैंडिंग वे में। स्टेयर केस B8 है, B6 है। ये जो हमारे B6 और B8 का जो साइज सेम होगा, उसका स्टील डिज़ाइन भी सेम होगा, उसका MU लिमिट B6 और B8 देखते हैं। B6 235x450, B8 235x450। इसका सेम बार डायमीटर, बार स्पेसिंग, स्टीरअप स्पेसिंग सेम रहेगा इसका, बार डिटेलिंग क्योंकि सिमिलर भी है। ओके, वैसे हमारा B17 और B21 का रहेगा। तो इसमें टोटल कॉलम है 18 कॉलम है हमारे, और बीम 31 बीम्स हैं। ओके, ये जो है वॉल फॉर ऑल फ्लैट्स नेम। ओके, इसके ऊपर आए तो आपको ये पैसेज दिखेगा ऊपर के फ्लोर में। ओके, अगर आपको ये ड्राइंग अच्छी लगे तो आप वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये इसके बारे में और एक फैक्ट है, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर इस ड्राइंग को आपको कॉपी करना है कंट्रोल सी और दूसरे ड्राइंग
के ऊपर पेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे करेंगे हम क्लब हाउस फाइल्स में, ओके कंट्रोल वी देखेंगे। ओके जो ट्री के कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट का इट इज़ यूज इन आवर डेली वर्क। ओके ये जो प्लान है इसमें इस स्टेयर केस है, यहाँ पे लिविंग बेड और किचन या चार फ्लैट है। ये लिफ्ट के लिए रिजर्व रहा है अभी तक, ये वन बी एच के और नीचे वन बी एच के। ये सेकंड फ्लोर फैन है और ऑप्टिमम स्लैब प्रोजेक्शन अबाउट पिम टॉप एंड बॉटम, इसका प्रोजेक्शन निकल आया है अभी। इसका स्ट्रक्चरल लेआउट देखा जाए तो लिफ्ट है, यस टू डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया लगता है। रेड लाइन है फॉर 85 का सम से, टॉयलेट और बाथ के लिए 200, इसका 150 बालकनी के लिए, और ग्रीन माइन लाइन जो दिखाए हैं हिडन बीम में, इसमें एक ही हिडन बीम है। इसमें टोटल बीम देखे जाए तो B40 स्टेयर केस मिड लैंडिंग बीम और ए स्टेयर केस स्लैब, इसका थिकनेस है 150 mm। ओके ये कैंटिलीवर स्लैब है। ये ड्राइंग अभी तक आर्किटेक्चर अप्रूवल के लिए भेजा गया है। इसका आर्किटेक्चर अप्रूवल होने के बाद वो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के पास जाता है, फिर उसके बाद वो अपना डिज़ाइन एनालिसिस करके उसके बाद डायमेंशन बार स्पेसिंग देते हैं एज पर मोमेंट एज पर स्टैड प्रो के ऊपर डिज़ाइन करके। ये जो लेगा है 220 mm थिक लिफ्ट RCC पर डिकन्टिन्यूड अप टू लिफ्ट मशीन रूम स्लैब, इसका जो थिकनेस है और 230 mm है और RCC पर डिकन्टिन्यू रहने वाली है जो भी LMR यानी कि लिफ्ट मशीन रूम के स्लैब तक। यह जो स्पेस है टॉयलेट बाथ के लिए रिजर्व है, इसमें ये जो ओपन स्पेस है वो क्रॉस सेक्शन से दिखाया गया है। ये जो स्टेयर के स्लैब का सेक्शन है S1 दिया है, इसमें मेन बार है जो S1 है इसलिए इस साइड में स्पेसिंग रहेगा, वो इस साइड में डालेंगे वो बार पर मेन बार, इसमें ऐसे डालेंगे। ओके इसमें जो कॉलम है वो टोटल कॉलम है 20 कॉलम हो गए शायद, अगर आपको ये ड्राइंग चाहिए तो आप जॉइन कर सकते। तो गाइस हमारे चैनल के ऊपर आपको हर एक टाइप की ड्राइंग मिलेंगे, हर एक टाइप की सबमिशन ड्राइंग है वो कैसी होनी चाहिए वो मिलेगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया है, हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले वीडियोस बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं जो कि आपको आपके बिजनेस में आपके जॉब में सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्लान आप इस आने वाले वीडियोस में देखेंगे।
और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो ड्राइंग के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि जो भी मिस्टेक है वो आने वाले टाइम नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप सतर्क रहेंगे और ऐसे ही सीखते रहें। जो भी नए नए चीज़ें हो आपको सीखनी चाहिए, अच्छी होती है हमारे लिए। अगर ऐसी ड्राइंग आपको आने वाले वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।